श्री गुरु ग्रंथ साहब तुखारी मेला एक भोला वड़े भुली 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 पछताने पीरी छोड़ी अड़ी सुती पीर की सार न जानी पीरी छोड़ी सुती आवगनी मुट्टी तिसु तन विधन राते कामी क्रोधी इंकारी विगुति औमे लगी ताते उडरी अंसू चलिया फरमाया पसमें पसम समानी नानक सच्चे नाम मिहूनी पुल्ली पुल्ली पछुतानी। जीवात्मा रूपी स्त्री भ्रम में पड़ी है और अपनी भूलों पर पछता रही है। अपने पति परमात्मा हरि से बिछड़ करके बेसुध हो रही है। पति हरि का उसे ध्यान ही नहीं। वह पिया द्वारा त्यक्ता होकर के अवगुणों में तल्लीन है। वह स्त्री वैधव्य का जीवन जीती है। भोला वड़े पुल्ली 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 पछतानी पीरी छोड़ी अड़ी सुती पीर की सार न जानी पीरी छोड़ी सुती अवगनी मोती तिसो तन विदन राते काम क्रोध अहंकार आदि में वह नष्ट हो रही है और अहम में संतप्त है। अंततः समय आने पर जीव रूपी हंस परमात्मा के आदेश के अनुसार चल पड़ा और मिट्टी शीर मिट्टी में मिल गई। कामी क्रोधी इंकारी विगुति अमे लगी ताते उडरी अंसु चलिया फरमाया पसमे पसम समानी। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीवात्मा जब तक सच्चे प्रभु हरि का नाम नहीं जपती तब तक ब्रह्म में भूली पश्चाताप करती। नानक सच्चे नाम में हुनी पुल्ली पुल्ली पुछतानी। सुनी ना प्यारे इक वेनती मेरी तू निज करी वसीयड़ा हऊ रुली पसमे तेरी बिन्नु अपने नाहे कोई ना चाहे किया कहिए किया कीजे अमृत नाम रसन रसु रसना गुस सब्दी रस पीजे विन्नू नावे के संगी न साथी आवे जाई कनेरी नानक लाहा ले करी जाइए साची सच्चो मती तेरी। है मेरे स्वामी हे मेरे हरि जी मेरी एक विनती सुनो। तुम अपने घर में बसते हो मैं मिट्टी में मिलती जा रही हूं भला अपने स्वामी के बिना कौन स्नेह देता है। क्या कहें क्या करें हरि नाम रूपी अमृत जो कि रसों का रस है गुरु के उपदेश द्वारा पान करें क्योंकि नाम के बिना कोई संगी साथी नहीं है। निरंतर आवागमन बना रहता है। सुनी सामना प्यारे एक बेनती मेरी तो निज करी वसीयड़ा हम रुली पसमे तेरी बिन्नू अपने नाहे कोई न चाहे किया कहिए किया आज कीजे अमृत नामो रसन रसु रसना गुर शब्दी रसु पीजे बिन्नू नामे की संगी ना साथी आवे जाए कनेरी। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रीतम तुम्हारे द्वारा सदविवेक पा करके गुणों का लाभ प्राप्त होगा जो अपने वास्तविक घर सच खंड वैकुंठ धाम में सहायक होगा। नानक लाहा लेकर जाइए साची सच्चू मती तेरी साजन देसी विदेश लिए साने हड़े देरी सारी संभाले तिन सजना मुंद नैन परे दी मुंद नैन परे दी गुंड सारे दी की अप्रभ मिलना प्यारे मार्गो पंथ न जानू विखड़ा किया पाइये पिर पारे सतगुर सबदी मिले बिछूनी तन मनु आगे राखे नानक अमृत विरखू महारस फलिया मिली प्रीतम रस चाखे। साजन प्रदेश में गया है जीव रूपी स्त्री उसे संदेश भेजती है उसके गुणों का स्मरण करती है और आंखें भर आती। स्त्री आंखें भर करके साजन के गुण याद करती है
कि किसी प्रकार प्रभु का मिलन हो सके। मार कठिन है, इसी के लिए अज्ञात भी है, वह परदेश में क्यों कर अपने पति को खोजे। साजन देसी विदेशी अड़े सोने हड़े देवी देदी सारी संभाले तिन सजना मुंद नैन भरे दी मुंद नैन भरे दी गुण सारे दी की प्रभ मिला प्यारे। मारग पंथ ना जानना विखड़ा को पाइये पिर पारे। मार कठिन है, स्त्री के लिए ज्ञात भी है, वे परदेश में किस प्रकार से अपने पति को खोजे। बिछड़ी जीव रूपी स्त्री सतगुर के उपदेशों पर आचरण करने तथा मन तन समर्पित करने से ही पुनर्मिलन प्राप्त कर सकती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम रूपी अमृत से सींचने पर ही प्रिय मिलन का वृक्ष फलता है और तभी मिलन के सरस फल चखने को मिलते हैं। सतगुर सबदी मिले बिछूनी तन मन आगे राखे नानक अमृत विरखू महारस फलिया मिली प्रीतम रसु चाखे। मैली बुलाड़िए बिलमु न कीजे अंधिनु रतड़िए सहजी मिलीजे सुखी सहजी मिलीजे रोसु न कीजे गर्भु निवारी समानी साचे राती मिले मिलाई मनमुख आमन जानी। जब नाची तब घुंघटो कैसा मटको फोड़ी निरारी नानक आपे आप पछाने गुरमुखी तत्त बिचारी। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, विलंब मत करो, मुझे शीघ्र अपने महलों में बुला लो। उत्तर मिलता है, है नित्य प्रेम मगर रहने वाली जीव स्त्री सहज अवस्था में मिलन होगा। सहज डोल अवस्था को प्राप्त करो, सहज अवस्था में सुख मिलता है। आतप रोष समाप्त हो जाता है, गर्व अहम निवारण करके तुम उसी प्रभुपति में लीन हो जाओगी। सच्चे प्रभु से प्रेम करने वाली जीव रूपी स्त्री परमात्मा से मिलन को प्राप्त होती है। मनमुखी स्वेच्छाचारिणी आवागमन में पड़ी रह जाती है। मेरी बुलाईडीए बिलमु न कीजे अंधनु रतड़िए सहजी मिलीजे सुखी सहजी मिलीजे रोस न कीजे गर्भु निवारी समानी साचे राती मिले समाई मनमुख आवन जानी। मनमुखी आवागमन में पड़ी रह जाती है। जब प्रभु प्यार में लग ही गई तो लोक लाज की मटकी फोड़ करके अलग होना ही पड़ता है। जब परमारथ का नाम नाच नाचने लगी तो घूंघट किस बात का। गुरु नानक जी कहते हैं तब वह गुरु के द्वारा अध्यात्म तत्व को समझ करके स्वस्वरूप को पहचान लेती है। जब नाची तब घुंघटो कैसा मटको फोड़ी निरारी नानक आपे आप पछाने गुरमुखी तत्त बिचारी। तो खारी महला पहला, मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलखु लखाया अवरु न दूजा पाले। गुरी अलखु लखाया जाति सपाया जा प्रभ कृपा तारी जग जीव नू दाता पुरख विदाता सहज मिले बनवारी। नदरी करी तू तारी तरिए सच देवो दीन दयाला प्रणवती नानक दासानी दासा तू सरब जिया प्रतिपाला। मेरा स्वामी रंगीला है और मैं उस प्यारे का सेवक हूं। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुरु ने मुझे वह अदृश्य स्वामी दिखा दिया है। अब मैं दूसरे किसी को खोज नहीं सकती। जीव रूपी स्त्री इस प्रकार से कथन कर रही। गुरु अलखु लखाया अवरु ना दूजा पाले, अब तो प्रभु के सिवा दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता। गुरु ने
तभी अदृश्य दिखलाया जब स्वामी की अपनी कृपा हुई और उसे ऐसा मंजूर हुआ। गुरु अलख लखाया जा तिसु पाया जा प्रभु कृपा तारी। तब वह जगत का जीवन दाता परमेश्वर सहज में ही आन मिला। उस दिन दयालु की कृपा दृष्टि हुई कि जीवात्मा रूपी स्थित संसार सागर से पार हुई और उसे सत्य की अनुभूति हुई। दासों के दास विनम्रता गुरु नानक जी विनती करते हैं कि हे स्वामी जी, हे हरि जी, तुम ही सब जीवों के प्रतिपालक हो, कृपा करो। नदरी करी तो तारी तरिये सच्चु देव दीन दयाला, प्रणवती नानक दासानी दासा तो सर्व जिया प्रतिपाला। परी पूरी तारी रहे अति प्यारे, सब दे रवि रिया गुर रूपी मुरारे। गुर रूप मुरारे त्रिभुवन तारे, ताका अंत न पाया रंगी जिनसी जंत पाए। नित देवे चढ़े समाइया अपरम परो, आपे थापी उथापे तिसु पावे सो होवे। नानक हीरा हीरे पे दिया गुण का हरि पिरोवे। भरपूर शब्द ब्रह्म में प्रिय गुरु अवस्थित है। गुरु परमात्मा का ही रूप है। पर पूरी तारी रहे अति प्यारे, सब दे रवि रिया गुरु रूप मुरारे। गुरु प्रभु जी का रूप है, वाहे गुरु रूप है, त्रिभुवन का आधार है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। गुरु रूप मुरारे त्रिभुवन तारे, ताका अंत न पाया। प्रभु ने अनेक रंगों प्रकारों के जीव पैदा किए हैं और नित्य उनको बढ़ चढ़ करके भोग पदार्थ का प्रदान करता है। रंगी जिनसी जंत पाए, नित देवे चढ़े समाइया। वह अपरंपार अपने आप बनता बनाता बिगाड़ता है, जो उसे स्वीकार होता है वही होता है। अपरंपार हूं आपे थापी उठापे तिसो पावे सो होवे। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु प्रभु के गुणों की माला में अपने को पिरो करके हीरे में हीरे द्वारा, प्रभु रूप में प्रभु द्वारा भींदा जाता है। नानक ईरा हीरे पे दिया गुण के हारी परोवे। गुण गुणी समाने मस्त की नाम निशानो, सच साची समाया चुक्का आवन जानो। सच्चो साची पछता पछाता साचे, राता साचे मिले मनी पावे। साचे उपरी अवर न दिसे साचे साच समावे। मोहिनी मोहि लिया मनु वेरा बंधन खोल नरारे। नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अति प्यारे। गुण गुणों में समागे और माथे की रेखा में हरि नाम जाप का लेख लिखा गया। गुण गणी समाने मस्तक के नाम निशानो, सच साची समाया चुक्का आवन जानो। सत्य सत्य में समा गया, आवागमन मिट गया। सत्य अंशी ने सत्य अंश को पहचान लिया, जीवन नित्य से प्रेम करने लगा और उसने सत्य को मिलकर के मन को उसी में रमा दिया। सच साच समाया चुका आमन जानो, सच्चो साचे पछाता साचे, राता साचो मिले मनी पावे। सत्य स्वरूप प्रभु के ऊपर अन्य कुछ नहीं सूझता, बस अंश उस अंशी में समा जाता है। उस मनमोहक प्रभु ने मेरा मन मोह लिया है और मेरे बंधनों को खोल करके मुझे स्वतंत्र कर दिया। गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने प्यारे स्वामी को मिलकर के जी आत्मा की ज्योति परम ज्योति में समा गई।
मोहनी मोही लिया मनु मेरा बंधन खोल नरारे, नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अति प्यारे। सच कर खोजी लहे साचा गुरु थानो, मनमुखी न पाइये गुरमुख ज्ञानो, देवे सच्चो दानो सो परवानो, सद दाता वर दाना अमरो अजोनी अस्थिरो जापे, साचा मैलो चिराना दोती उच्चा पति लेख न लिखिए, प्रगति ज्योति मुरारी नानक साचा साचे सराचा गुरमुखी तरिये तारी। जिस सत्य का आधार गुरु मिल जाता है वह सत्य स्वरूप परमात्मा को खोज लेता है। मनमुख को जो प्राप्त नहीं होता वही ज्ञान गुरुमुख को उपलब्ध हो जाता है। सच करो खोजी लहे लहे साचा गुरथानो, सरो करो खोजी लहे साचा गुरथानो, मनमुखी ना पाइये गुरमुख ज्ञानो, देवे सच्चो दानो सो परवानो, सद दाता वड दाना। मनमुख को जो प्राप्त नहीं होता वही ज्ञान गुरमुख को उपलब्ध होता है। परमात्मा हरि जिसे अपना नाम देता है उसे वह परवान कर लेता है। वह बड़ा दाता और ज्ञाता है, वह अमर योनि स्थिर है, उसका रूप सनातन है। अब परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाने से नित्य के कर्मों का लेख नहीं लिखा जाता। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो पुरुष सत्य में रमता है वही सत्य है और वही गुरु के सारे संसार समुद्र को पार करता है। दोती उचा पति लेखु ना लिखिए, प्रगति ज्योति मुरारी नानक साचा साचे राचा गुरमुख तरिये तारी। तो खारी मेला पहला, ए मन मेरिया तो समझो अचेत इयानिया राम, ए मन मेरिया छड़ी अवगन गुनी समानिया राम, बाहु साध लुबाने किरत कमाने बिछड़िया नहीं मेला, क्यों दुतरु तरिये जम डरी मरिए जम का पंथ दुहेला। मणि रामो ने जाता सग पर जाता, अवगठी रुद्दा किया करें बंदनी बंदिया इन विधि छुट्टे, गुरमुखी सेवे नर हरे। ऐ मेरे मूर्खवार ना समझ मन, तुम जागो और समझो। ऐ मन मेरे तो समझो अचेत यानिया राम, तुम अपने अवगुणों का त्याग करके गुणों की वृद्धि तथा प्रभु में लीन हो जाओ। ऐ मन मेरिया छड़ी अवगन गुनी समानिया राम, अनेकदा स्वादों के लोभ में पड़पके अपने कर्मों के फल के अनुसार तुम परमात्मा से बिछड़े हो, तुम्हारा मिलाप नहीं हो पाता है। बहु साध लुबाने किरत कमाने बिछड़िया नहीं मिला, ये दुष्ट संसार सागर क्यों कर तरा जा सकता है। यमों का भय हमें मार रहा है क्योंकि यमों का मार्ग बड़ा कष्टकारक है। क्यों दुतरा तरिये जम तरी मरिए जम का पंथ दोहेला। यमन तुमने साझे पर बात किसी समय भी राम नहीं जपा, यमों के कठोर मार्ग में उलझे क्या करते हो। मणि रामो नी जाता सज प्रभाता अवघटी रुद्धा किया करें, कर्मों के बंधन तो केवल गुरु के द्वारा प्रभु हरि की सेवा से ही कटते हैं। बंदनी बाध्या इन विधि छुट्टे गुरुमुखी सेवे नर हरे। ऐ मन मेरिया तो छोड़ी आल अजंजाला राम, ऐ मन मेरिया हरि सेकूं पुरखो निराला राम, हरि सिमरी एकाकारु सच्चा मा सबो जग तो जिनी उपाया, पौनी पानी अग्नि बांधे गुरु खेल जगत दिखाया, आचारी तू विचारी आपे हरि नामो संयम जप तपो
सखा सैनो प्यारो प्रीतमो नामो हरि का जपो जपो। ऐ मेरे मन, तुम घर के सब जंजाल छोड़ो। ऐ मन, तुम परम पुरुष प्रभु की सेवा में लगन लगाओ। सच्चे ओंकार का स्मरण करो जिसने इस संसार की रचना की। ऐ मन मेरिया, तू छोड़ी आल जंजाला राम। ऐ मन मेरिया, हरि सेउ पुरख निराला राम। परम पुरुष परमात्मा ने पवन पानी अग्नि तक सबको बांध रखा। सृष्टि का समूचा खेल वही दिखा रखा। ऐ मन, यदि तुम हरि नाम जाप को ही अपना जप तप संयम बना लो, तभी तुम आचार एवं विचारवान हो सकते। हरि नाम जाप ही मन का सच्चा सखा संबंधी और प्यारा प्रीतम है। पवनो पानी अग्नि बांधे गुर खेले जगति दिखाया। आचारी तो विचारी आपे हरि नामो संयम जप तपो। सखा सैनो प्यारो प्रीतमो नामो हरि का जपो जपो। ऐ मन मेरिया, तो थिरु रहो चोट ना खामी राम। ऐ मन मेरिया, गुण गावी सहज समामी राम। गुण गाई राम रसाई रसी गुर ज्ञान अंजना सार हे। ते लोक दीप को सब दी चाननो पंच दूत संगार हे। पै कोटि निर्भव तरी दुतरु गुरु मिलिए कारज सारे। रूपो रंगो प्यारो हरीसो हरि आपी कृपा तारे। ऐ मेरे मन, स्थिर रहना कहीं चोट ना खा जाना। ऐ मेरे मन, तुम प्रभु के गुण गाते हुए पूर्ण अडोल और शांतों की अवस्था में समा जाना। राम के गुण गा करके तुम प्रेम पूर्ण सरसता को प्राप्त करो। गुरु ज्ञान का अंजन लगाओ जिससे विश्व दीपक प्रभु का आलोक तुम्हें दीख पड़ने लगेगा। ऐ मन मेरिया, तो थिरु रहु चोट न खामी राम। ऐ मन मेरिया, गुण गावी सहज समामी राम। गुण गाई राम रसाई रसी अहि गुर ज्ञान अंजन सार हे। तै लोक दीप को सब दो चार न पंच दूत संगार। उस आलोक द्वारा तुम काम क्रोध आदि पांच शत्रुओं को मार सकोगे। गुरु मिलन से तुम्हारे भय कट जाएंगे। निर्भय होकर के दुष्टर संसार सागर से पार हो जाओगे और तुम्हारे सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। तुम जब हरि के प्यार में उसी का रंग धारण करोगे तो वह ही तुम पर समूची कृपा वर्षण करेगा। पै काटी निर्भो तरी दुतरो गुरु मिलिए कारज सारे। रूपो रंगो प्यारो हरीसो हरि आपी कृपा तारे। ऐ मन मेरिया, तो किया ले आया किया ले जय श्री राम। ऐ मन मेरिया, ता छुटसी जा परमो चुका श्री राम। तनो सच्ची हरि हरि नाम वखरो गुर सबदी पाओ पछाने। मेलो पर हरि सबदी निर्मलो मैलो करी सच जाने। पथि नामो पावी करी त्याम सिदामी चोली अमृत पी रसो। हरि नामो त्याइये सबदो रस पाइये वड़पागी जन जपिए हरि जपो। ऐ मेरे मन, तुम यहां क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे। ऐ मेरे मन, तुम्हारा छुटकारा तभी संभव है जब परमात्मा स्वयं तुम्हें ब्रह्म मुक्त करेगा। यहां आकर के तुम हरि नाम धन का संचय करो और गुरु उपदेश द्वारा उस हरि नाम रूप सौदे का भाव निश्चित कर लो।
ऐ मन मेरिया तू किया जे आया किया ले जाय सी राम। ऐ मन मेरिया ता छुटसी चा पर मुच काय सी राम। तनु संची हरि हरि नाम वखरो गुर सबदी पाव पछानी। मैलो पर हरी सबदी निर्मल मैलो करो सच जानी। गुरु उपदेश द्वारा मैल दूर करके निर्मल हो जाओ और अपना वास्तविक प्रेष्य ढूंढ लो। हरी नाम रूपी शोभा लेकर के घर वापस जाओ और खुले हाथों अमृत रस नाम का पान करो। शब्द द्वारा हरी नाम का रस पान करो। प्रभु नाम जपो। परमात्मा का यशोगान करने से ही ऊंचा भाग्य निहित है। पति नामो पावी करी सिदामी झोली अमृत पी रस्यो। हरि नामो त्याइये सब दी रसो पाया वड़ भागी जपिए हरि जसो। ऐ मन मेरिया बिनु बेड़ी पारी ना अंबड़े राम। पारी साजनो अपारो प्रीतम गुर सबद सुरती लंगवाए। मिली साध संगति करी रलिया फिरी न पछतावे। करी दया दानो दयाला साचा हरि नाम संगति पावो। नानको पई अपे सुनो प्रीतम गुर शब्दि मनी सुजावो। ऐ मेरे मन सीढ़ियों के बगैर महल में क्यों करके चढ़ा जा सकता है। मन नाम के बगैर नदी की नाव के बगैर नदी के पार क्यों कर पहुंचा जा सकता है। संसार रूपी नदी के उस पार साजन बसता है। गुरु शब्द के ज्ञान से तुम पार जा सकते। ऐ मन मेरिया बिन पौड़िया मंदरी की उचड़े राम। ऐ मन मेरिया बिनु बेड़ी पारी न अंबरे राम। पारी साजनो पारू प्रीतम गुर सबद सोती लंगवाए। मेरी साध संगति करी रलिया फिरी न पछतावे। साधु संगति सत्संगति में मिल करके तुम आनंद करो जिसे दोबारा पछताना नहीं पड़ेगा। हे दयालु दया का सच्चा ज्ञान दे करके तुम मुझे हरि नाम संगति में डालो। गुरु नानक बेनती करते हैं कि हे प्रीतम मेरे मन को गुरु उपदेश में रमा दो। करी दया दानो दयाला साचा हरि नाम संगति पाओ। नानको पई अपे सुनो प्रीतम गुर शब्दी मनो सजाम समझाओ।